हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ब्रिटेन। ये तीन जो वर्ड्स हैं हम एक ही देश के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं, बट तीनों का मतलब जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैप में देखते हैं, देखिए इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर आयरलैंड। तो नदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये चार देश मिलकर के बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये चार पहले अलग देश हुआ करते थे, फिर ये अलग अलग ट्रीटी से साथ मिलकर के आए, जुड़ गए, अब ये एक ही देश का हिस्सा है। उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग देश है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नदर आयरलैंड, नदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये यूके हैं। इंग्लैंड देखिए अलग, ये जो रेड में है ये इंग्लैंड अलग है। तो फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये तीन ग्रेट ब्रिटेन है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में ना ये सब जुड़ करके आए हैं, तब यूके बने हैं। देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है यूके का झंडा, जो क्रॉसेस है रेड और ब्लू में। स्कॉटलैंड का ब्लू वाइट है, स्कॉटलैंड का। नदर आयरलैंड देखिए वाइट और रेड क्रॉस, और इंग्लैंड का ये, वेल्स का ये। तो ये झंडे इनके सबके अभी भी अलग अलग हैं, बट चारों के मिलकर के यूके का झंडा बनता है। अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नदर आयरलैंड, ब्रिटिश आइल्स, यानी कि ब्रिटिश आइलैंड्स चार अलग अलग हिस्सों में है, और ये इनके नाम हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग ट्रीटी से ये सारे के सारे देश मिल करके साथ में आए हैं। वो टाइम फ्रेम अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो था इंग्लैंड, किंगडम ऑफ इंग्लैंड था। किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ फिर वेल्स जुड़ा, ठीक है। किंगडम ऑफ इंग्लैंड था, फिर 1536 में वेल्स जुड़ा, तो किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स बना। फिर बना किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कब? जब स्कॉटलैंड भी जुड़ गया, तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन बने। फिर यूके बना जब किंगडम ऑफ आयरलैंड भी जुड़ गया, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें हमने वीडियो में डिफरेंस देखा। थैंक यू।